खुशखबरी हमारी शेरवाली है। काले मेरे रे 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 रे
राणी कह रही थी कि हे विप्रदेव, आप कहते थे कि हम दोनों ने एक साथ में शिक्षा दीक्षा की है, साथ खेले हो, साथ खाए हो, साथ पढ़े हो, के क्या नंबर एक में दाता ने। ओ पिया तुम एक गुरु के वो चले सो लिए दे के कर लेगा फेर दिया मतना लिए दे के कर लेगा फेर ओ यार जीता गेरे द्वारे का एक रुपए श्रीमान जी रमेश स्वामी जी उर्फ मड्डू 101 रुपए से अपनी पार्टी का मान सम्मान करते हैं और हमारे दादाजी मान सिंह जी बापुड़ा से 100 रुपए से मान सम्मान करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद लोगों। नंबर दो में दादा ने के मिश्राणी कह रही थी कि हे विप्रदेव, आप तो अपने यार दोस्तों के अंदर जाकर के बैठ जाते हो, अपना टाइम पास कर लेते हो, लेकिन एक माँ की ममता ऐसी होती है बच्चों को घर में भूखा नहीं देख सकती। किस प्रकार से के क्या ओ पिया वेद सास पर ओ पडरास रे जिस घर में टोटा उसे उसमें के हुआ करे क्या होते हैं बच्चे बच्चे दिख टोटे के मबास मेरा होली आसना बच्चे टोटे के मबास से होली आसना से दुख के मेरे चल हमारे परम आदरणीय मामराज सिंह जी बापोड़ा से 101 रुपए से अपने बच्चों का हौसला जाहिर करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद। और ये लोहारी जाटू से हमारे दादा श्री हनुमान जी पंडित जी महाराज 101 रुपए से अपने बच्चे को आशीर्वाद देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। Ooh.
प्रभु मिश्राणी ने बोली, हे विप्रदेव, आप उस द्वारी का अधीश के पास में जाइए। मैं आपको ये नहीं कहती कि लाख दो लाख करोड़ दो करोड़ मांगना, नहीं। तो बोले के कहना जाग है, तो बोले न्यू कह दिए। ए रकईए कहते दे तुम नाज मेरी करके न लाज, कहिए कहते दे तुम नाज करके न लाज, सिर पे नाज उमर के वाले मेरे बड़े बन गया कृष्ण मुरारे, जावरे तारे तारे पा काले रुपए। मेरे भाई रामवीर जी मणेरू 101 रुपए से पार्टी का मान सम्मान करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद। मास्टर जी 101 रुपए गुप्त दान। मास्टर जी कहिए, मास्टर जी दे रहे हैं। अच्छा मास्टर जी 100 रुपए प्रदान करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमान जी सुरेंद्र जी मास्टर जी गोरीपुर 100 रुपए से पार्टी का मान सम्मान करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और लोगों नंबर 4 में केक है दादा ने, महाराज कृष्ण भगवान के पास में चले जा, मांगिए मत रचाई। बोले मांगू नहीं और चले जाऊं, अरे बावड़ी फिर फायदा की। बोले महाराज मैं आपको एक युक्ति बताती हूं, तुलसीदास बाबा ने रामायण मैया में लिखा है, धीरज धर्म मित्र अरुणारी आपति काल पर चारी। हे महाराज मैं आपकी अरुणांगिनी हूं, मैं आपको एक युक्ति बताती हूं, आप मांगोगे भी नहीं और वो कृष्ण भगवान समझ भी जाएगा कि मंगना आया है। बोले ऐसी क्या युक्ति है? बोले महाराज एक घर में एक नई नवेली बहू है, 2-4 साल शादी को हुए हैं और उसकी गोदी के अंदर 1 साल का बच्चा है, घर पे और कोई मर्द मानस नहीं, बाहर तो कोई बड़ा बुजुर्ग आ जा और इन्हू कहे, अरे बेटा तेरा ससुरा से तो हमारे समाज में बहन बेटियां पर्दा करती हैं बड़े बुजुर्गों से। पर मासी जी, कैसे हाँ? करती मासी है पर्दा? दिखावा ऐसे ना। अच्छा हाँ, पर्दा करती कैसे हैं ये बताइए हमें। हाँ। पर्दा करके दिखाओ। लोगड़ी उठाऊंगा तब ने। फिर क्या करना है? बोले महाराज एक साल के बेटे ने बोले अपने इस हाथ में बिठा ले और दादा कानी न्यू कर ले काना घूंघट। अच्छा, और छोरे ने आगे निकाल गए और छोरे कमा गए कि बेटे तेरे दादा ताई न्यू कह दे, मेरा दादा तो सांग देखन गया। बोले महाराज के उसने बोली? बोले ना, और बोले समझा भी दिया मेरे दादा कित गया, न्यू तू मेरे माँ के बोल जी, तने मांगने की कोई जरूरत को ना, के कहा पंडित जी ने क्या बताया। हम ब्राह्मण तू ही रे जाबे पीर, कहिए हम ब्राह्मण तू रे रे जाबे पीर, मार दे मेरे तीर कर्म के ताले कर रे रे रे।
उसी के अनुसार कथा, क्योंकि टाइम काफी हो चुका है। प्रेमी सजनों, स्वर्ग के राजा इंद्र, इंद्र भगवान के दो औलाद, बड़े बेटे का नाम जयंत, छोटे बेटे का नाम गंधर्व सेन। एक रोज की बात है कि महाराज गंधर्व सेन इंद्र भगवान के अखाड़े में जो परियों का नाच गान हो रहा था, उस सभा में जाकर के बैठ जाते हैं। मेरे मेहरबानों, परियां आती हैं, नाचती हैं, गंधर्व सेन महाराज के कोने पे आकर के नाचती हैं। अब इंद्र भगवान ने देखा कि आज कोई भी परी तेरी तरफ आकर के नहीं नाच रही है, परियों को अपने पास में बुलाया और कहने लगे कि ए परियों, आज बात क्या है कि तुम जाकर के उस कोने पर नाचती हो। मेरे मेहरबान परियों ने बताया कि महाराज, एक कलाकार का नियम होता है, जिस कोने पर उसको ज्यादा सुना जाता है, जिस कोने पर ज्यादा इनाम मिलती है, वहीं पे जाता है। महाराज, आज आपके दरबार में आपका छोटा बेटा महाराज गंधर्व सेन बैठा हुआ है। गंधर्व सेन बैठा हुआ है, लोगो इंद्र भगवान ने आप देखा रहता हो गंधर्व सेन को बुला करके और ठोकर मार दी, कहा जा मृतलोक में जन्म और मर। बताते हैं गंधर्व सेन महाराज ने आकर के उज्जैन नगरी बसाई। मेरे मेहरबानों, गंधर्व सेन महाराज के तीन औलाद, बड़े बेटे का नाम भूप भर्तहरि, छोटी बेटी मैनावंती और सबसे छोटा बेटा विक्रम। आपने सुना होगा पिंगला भर्तहरि के सांग में, जब भर्तहरि महाराज ने पिंगला रानी के कहने से विक्रम को जल्लादों के हाथ सौंप दिया था। विक्रम ने 12 साल तक दुर्गे माँ की तपस्या की और जंगल बियाबान में दुर्गा माँ ने उनकी भक्ति में प्रसन्न होकर के 4 वीर दिए कि जाओ विक्रम, जहां पर भी तुम्हें मुसीबत आएगी वहां पर ये वीर तुम्हारी सहायता करेंगे। मेरे मेहरबानों, इधर मानसरोवर ताल में रहने वाले हंसों के साथ में इंद्र भगवान का झगड़ा हो जाता है और वो हंसों के 50 जोड़े घूमते 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 उज्जैन शहर में पहुंच जाते हैं। यहां से कथा की सांग शुरू होता है और श्रद्धा करके एक बार जोरदार जयकारा लगाएंगे। बोलिए शंकर भगवान की जय हो, बोली बाबा दूधाधारी महाराज की, बोल बाबा झोपड़ी वाले की, बोल बाबा बनी वाले की, बोलिए सती मैया की, बोल धर्म सांडा की। अरे हाँ जी, अरे यो के कया धर्म सांड की, धर्म सांड, हाँ जी। अरे यो के वो है, आपको पता नहीं? नहीं, जो धर्म करता है, अच्छा धर्म में हिस्सा लेता है, धर्म में हिस्सा लेता है और चटपट का धर्म करे, हाँ हाँ, उसे धर्म सांड कहते हैं। धर्म सांड, यस माय डियर। अन्यथा और जो दान ना दे, दान ना दे, ना दे, दे, हाँ, उसे क्या कहते हैं? क्या बा बा वा, वा। के अरे के क्या बावली इबागत पूछ। अच्छा अच्छा, सुसरन और निचल तार लियो, उसने बावली पूछ के। अच्छा आप समझदार हो, नुकर बैठ जाए। हाँ जी सजनो, हमने कोई नू नहीं पूछा का भाई, उड़ा जाकर किसे सांग होए? सांग तो हम करते रहते हैं, आप दान करते रहो हो, लेकिन ये भूल सकना उन्हें चलता कितना आया, सही वहां के लोग दानी भी कितने हैं और किसने चट बन का दान दिया, या भूल सकेंगे हमने कोई नू ना भूल साउथरी सत्यवान का, हिरेन्द्र का, पृथ्वी सिंह किरणवे का सांग किसा रहा है? और लोगो, हाँ जी सांग आपने कह रहे थे निकल ठीक कर, मैं ठीक नहीं समझूंगा,
जब तक आप चढ़ बढ़ के बाबा के लिए चंदा नहीं दोगे जब तक नहीं समझ लो सांग नील है। हाँ देर लगा कोली हो खाने भेज सकते स्वाद आ जाओ भाई सामने तो कौन स्वाद आया भाई। सभी से हाथ जोड़ करके प्रार्थना है कि बाबा के भंडारे के निमित्त बाबा के मेले के निमित्त चढ़ बढ़ करके दान दे। आज बहुत अच्छी बात प्रेमी सजन वो हंस घूमते फिरते और महाराजा हले, हले। बागों में आते हैं साल के लिए दिसोटा मिला है मिल चुका है। अब एक बात बताइए बोलो इसमें हम कर भी क्या सकते हैं। जी हाँ एक काम करो आपको कोई जगह याद है कोई मालूम है तो बताइए ना। राजा वीर विक्रमाजीत का नाम सुन रखा है। अच्छा उनके यहाँ चलना चाहिए और बड़े न्यायकारी राजा है बड़े तपस्वी। जी हाँ 12 साल का दिसोटा वहाँ पूरा हो सकता है बिताएंगे। अच्छा चलिए वहाँ चलते हैं तो चलो मेरे रश के कर मने लग गए ये राजा वीर विक्रमाजीत का बात आ गई है। हाँ हो सकता है इधर चलो हंसो पीछे पीछे तो आ जाओ कम से कम आप हंसो। हाँ चलो तो आगे ये पूरी हंसनी आगे कर दी लाल तोते अरे अरे तोते अरे महाराज मनका से प्रणाम ए महाराज मनका से प्रणाम। जय प्रणाम महाराज मनका से प्रणाम। जय प्रणाम जय प्रणाम तू महाराज सके तो आप किससे बात करें। राम राम जी राम राम जी राम राम ये बताओ ये जो बगीचा है जी ये राजा वीर विक्रमाजीत का है। बिल्कुल आप ठीक आई है। आप कौन हो। मैं यहाँ का माली हूँ। ओह माली जी हाँ। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी सबसे पहला दर्शन हुए। जी हाँ और निरानी बथुआ पाड़ के माली साहब। अरे मालियों का काम तो बथुआ फाड़ने का ही होता है। आप एक काम जब बाग भी बगीचों में घास फूस नहीं फाड़ेंगे तो उन फल पेड़ कैसे ऊंचे बनेंगे। माली साहब जी आप एक काम करो बोलो हमें महाराज के दर्शन करवा लो। दर्शन हम उनसे मिलना चाहते हैं बहुत जरूरी काम है दर्शन ये, करवा दो। हाँ। ये इतने जिनावर यहाँ अचानक कहाँ से आते हैं। दर्शन करवा दो। जिनावर किसे कहते हो। अरे परम हंस है। परम हंस। हाँ। मुझे तो तुम परम हंस दिखाई नहीं देते। चले जाओ यहाँ से। मुझे तो तुम टोड काग दिखाई देते। मेरी बात सुनो बोलने की तमीज नहीं है आपको। कितना नीचा कमीज पहन के हमें महाराज के दर्शन करवा दो। ठीक है आप जाइए उनको जल्दी से उनसे मिलवा दो। एक बात सुनो। हाँ जब ज्यादा तो तुम्हारे को तगाजा तो अपने घर जाओ। नहीं नहीं यहाँ अपने देश में जाओ। यहाँ कोई भी काम होता है वो तसल्ली बख्श होता है। अरे हम आपके आगे विनती करते हैं। विनती करने की कोई जरूरत नहीं। करवा दो करवा दो करवा दो ज्यादा था तो स्टेशन पे जाओ वहाँ करवाओ। अरे दर्शन करवा दो। मैं तो तसल्ली से करूंगा करवाऊंगा। अच्छा अरे उनके दर्शन करने हमें तो एक काम करो अपनी अपनी सलवार ऊपर ने करो। वो क्यों तुम भी एक घाघरा ऊंचा करो। अरे क्यों अरे, तमीज से बात करो। अरे ये तो पूछो मैं क्यों करवा रहा हूं। क्यों करवा रहे हो। बाग में पानी भरा है फिर ये तुम्हारे कपड़े गंदे हो जाएंगे। अच्छा इस घाघरे ने ठाक मेरे सिर पे धर लियो। सिर पे नहीं थोड़ा सा नीचे रखो थोड़ा सा ऊंचा कर दो मतलब गोटे ताए कर लियो। और सारे हंस। अरे सारे हंस है तुम सारे हंस। जी हाँ मैं भी हंस हूँ। झूठ बोलती नहीं आपकी कसम। तुम्हारे में एक हंसनी है वो भी मुझे क्या पर दिखाई दे। ये महाराज ये है या जो पीली पीली येरी येरी। अरे कमाल की बात है आप तो बहुत बकवास करते हैं। महाराज एक येरी। बकवास नहीं कर रहा हूँ मैं इसकी शिकल सूरत तो पहचानता हूँ। ये बात कम करो और महाराज से इजाजत लेगा। ठीक है ठीक है यही पे खड़ी रहो बाजना मत यही पे रहना अभी जाता हूँ अभी आता हूँ। अरे जाओ जाओ जल्दी जाओ। ठीक है ठीक है ठीक है साली हंसड़ी तो ठीक है। मैंने कहा महाराज साहब को नमस्कार नमस्कार नमस्कार। अरे मालिक के जी बागों को छोड़ करके आज और दरबार में आप ये कहना चाहते हैं कि मैं बाग को छोड़ के आपके पास में क्यों आया हूँ। हाँ ये राजन
बाहर है जो हंसों की टोली आई हुई है। हंसों की टोली आई है? हाँ जी, अपने बागों में। बागों में, और वो कहते हैं कि हम आपके राजा से, राजकुमार से मिलना चाहते हैं। अरे फिर तुम यहाँ अकेले चले आए तो? अरे बेशरम, वो हमारे अतिथि हैं। आपके अतिथि? हाँ, मैंने तो न जाने उनके साथ में क्या क्या बातें करी। चलो तो आदर सहित लेकर के आओ। अच्छा, आदर सहित सुनो। अरे कही भाई सब, क्या रहा? मैंने तो गलती सलती में आपको ले जाने कुछ कुछ कह दिया। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। कोई बात नहीं है। आप जानती हैं कि राजा का दरबार है और हमारे राजा बहुत फुक्कार है, बहुत दयालु है। एक क्यों को अंदर जाना है, पांच पांच मिनट अंदर रहना है। पांच मिनट होते ही पाचन मेरे कल एक जनी आ जाइयो, फिर पांच मिनट मेरे कल रह के दूसरे कल चली जाए। चलो ठीक है, हम उनसे मिलते हैं एक बार। आओ ठीक है। नहीं, ये क्यों कहो? एक जो, एक जो, एक महाराज प्रणाम, महाराज प्रणाम, महाराज प्रणाम। अरे जय प्रणाम हंसो, जय प्रणाम। आइए महाराज प्रणाम। जय प्रणाम हंसो। महाराज प्रणाम। जय प्रणाम, जय प्रणाम। महाराज प्रणाम। जय प्रणाम। आइए देखिए महाराज हंसो। जी हाँ, आपकी आंखों में आंसू। क्या करें महाराज, जब किसी के ऊपर विपत्ता पड़ती है ना, अच्छा, तो आंसुओं के सिवा उसके पास कोई रास्ता नहीं बचता। आखिर बात क्या है? ए महाराज, महाराज हाँ, हमको वरण द्वैत ने 12 साल का दिसोटा दे दिया है। 12 साल का दिसोटा दिया है? जी हाँ। भगवान ने वर्षा करनी बंद कर दी। अच्छा, उससे मानसरोवर ताल में जो पानी था वो खत्म हो गया। हाँ। और महाराज जब पानी खत्म हुआ तो उसमें जो मोती नहीं बचते थे, हाँ, वो खत्म हो गए। खत्म हो गए। अब हमें खाने के लिए कुछ बचा नहीं। 12 साल का दिसोटा आपकी शरण में बिताना चाहते हैं। मेरी शरण में? जी हाँ। और महाराज एक काम और भी है। हाँ। चाहे तू हमें खाने के लिए ना देना, अच्छा, चाहे हमें यहाँ पर ठहराना नहीं, अच्छा, लेकिन जो दुख दर्द अपने सीने में लेके आए है ना, वो एक बार सुन जरूर ले। बस क्या कहना चाहते हो? कहिए। सुन ले महाराज, एक काम करो महाराज। हाँ। एक काम करो। हाँ। ये जितने भी हंस है, हाँ, ये तो आप रख लो। अच्छा। और ये जितनी भी हंसनी है, अच्छा, ये मुझे दे दो। ए खामोश। अरे तू क्या खुआगा मने? ये खुआगा मैं बाजरा रांध रांध के, ये खूब बोल लेंगे महाराज। हाँ। डांटना ना डांटना वो आपके हाथ में है। अच्छा। हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। हाँ, क्या कहना चाहते हो? सुनिए अब है। महाराज सुन लीजिए बात। कहिए। शहर में थराले छतरी, अच्छा, नाटिए मत ना। शहर में
Hey!
नंबर चार में क्या कहा? परमेश्वर का भजन करा करें, दो वक्ता सुबह शाम, कभी न कदे तो जरूर सुनेंगे त्रिलोक की घनश्याम। ये है वो खास बात, दादा ने एक काम की बात कही, ये थारे भी काम आवे। अच्छा। और मारे भी काम की बात है। अच्छा। और ये जितने बैठे हैं ना, हाँ? इन सब के काम की बात है। सबके काम की बात, कितनी बढ़िया बात कह दी। मांगे राम ज्ञान नुगरान ते बैठिए मतना, इसकी तरह से बीड़ी बेच सकते बैठते। अरे हंसो, दो बीड़ियां मत खरीदे, बैठ जा। एने बंदवा दो, कोई दूसरा न खोलो। हंसो जी महाराज, ये बताइए क्या तो आप खाते हो? अच्छा। और क्या पीते हो, क्या खुराक है? ए महाराज, हाँ, खाते हैं अनबिन मोती और पीते हैं अमृत। अमृत मतलब? जी हाँ, बहुत महंगा सौदा खाते हैं महाराज। लेकिन और महाराज खुराक भी चाहता कौन है मारी? कितना? बस पावर तो दूध और 100 ग्राम मोती। पावर दूध, हाँ, 100 ग्राम मोती। 100 ग्राम मोती। अच्छा, सुन लिया आपने? हाँ। क्या सुना? बड़ी की तू फिर आगे बीच में। क्या सुना आपने? हमने खुराक बता दी महाराज। थोड़ी खुराक है, न्यू करे हैं। बिल्कुल, जरा जरा से। 100 ग्राम मोती और पाव भर दूध। अच्छा, 100 ग्राम मोती, हाँ, और पाव भर दूध। बिल्कुल, हाँ। कितना की? तो ये तो है खाते पीते। अच्छा। और ये है चाटते चुटते। ये चाटने वाली है। अच्छा अच्छा, ये खाते नहीं है? ये खाती पीती नहीं। अच्छा, ये चाटती है और हम खाते। अच्छा अच्छा, ठीक है। अच्छा, पाव भर दूध में आप कैसे तसल्ली करें? साले झूठ बोलता, पूरी भैंस की तसल्ली कर दे। अरे मालिक, ऐसी बात नहीं कर जाए हंस। अरे हंसो, कही महाराज। ठीक है मालिक, इनको बगीचे में ले जाओ। ठीक बात। और इनके भोजन का प्रबंध करो, क्योंकि हमारे अतिथि हैं। जी ठीक है महाराज, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। ठीक है, चलो चलो भाई बगीचे में, चलो चलो। प्रेमी सजनों, ये मेरा बगीचा। अरे इधर आ जाओ, इधर आओ भाई, इधर आओ। तुम्हारे काम की बात है भाई। होए होए होए, तुम भूल में किसी फल का हाथ लगा दो और वो टूट के नीचे गिर पड़े। फिर ये नए पुराने पेड़ हैं। एक बात बताओ माड़ी जी, जी ये आपका बगीचा है? ये मेरा बगीचा है। ये बड़ा खूबसूरत बगीचा है। हाँ जी। ये बताओ जी, आपने अपने बगीचे में कौन कौन से फलों के पेड़ लगा रखे? ये जो सामने पेड़ है जी, एक ये एक वो, ये संतरे का पेड़ है। संतरे का? संतरे का। संतरा तो एक भी नहीं है। ये संतरा तो और रस तो, क्या बोला? क्या ये संतरे का पेड़ है? इसमें रस तो नहीं है, संतरा है ये। अरे रस तो चूस लिया, लेकिन ये बीज बीज ले रहे हैं। आगे चलो, आगे थोड़ा थोड़ा सा आगे चलो। आगे आगे आओ। ये तरबूज कहाँ लगा दिया तुमने? ये अंगूर की बेल है। अरे माड़ी जी, क्यों झूठ बोल रहे हैं? तुम्हारी गलिया पहले सारी लाइन में खड़ी हो। मेरी बात सुनो, ये अंगूर की बेल है। अंगूर एक भी खोनी है। अच्छा, गौर से देखो। अरे एक भी नहीं है। अरे तुमने पत्तों में हाथ मारे, और तुमने पत्तों में हाथ मारे, नीचे डाली के नीचे हाथ मार के देख, देखो अंगूर मिलेंगे। माली जी, खीरे की बेल का है? खीरे की बेल? हाँ। वाली ये ऐसा खीरा होता है? हाँ। गोल गोल घूमते घूमते करेगी खीरे का? खीरे को क्या करते हैं? अच्छा इधर आओ, चलते फिरते। और ये है पपीता। अरे पपीता एक भी नहीं, क्यों झूठ बोल रहे तुम? पपीते पे मैंने बोरी के रखी है। अरे ठीक है, ये पपीता से? हाँ, हमने झूठ बोल रहे? ये पूरा कोड़ा का कोड़ा पड़ा। नहीं, ये पपीता। पपीता कोनी बोरी के नीचे दबा रखा है। बोरी हटाऊ तो नीचे पपीता दिख के छोटा पपीता, पपीता तो फाड़ के रख रखे। ठीक है, ये मेरा बाग है, इस बाग में आप हंसो खाओ पियो ऐश करो। अरे ओ मालिके, ऐसी बात नहीं है। ये जितनी हंसनी है ना, जब मैं आपको इज्जत से बोलता हूँ, ये जितनी मतलब जितना इज्जत से बोलोगे उतना ही फायदा है, वरना तो के बिगाड़ लेगा। माली जी, जी लगा दो तो तन्न जी कहो, देखे की शक्ल है। मेरे जी सारी चिप जाएगी, जीवर की तेरी शक्ल सहेगो ना। आई शक्ल तो कई बुड्ढी कर। अरे सुनो, ये जितनी हमारे साथ हंसनी आई है, हाँ, ये आपका मनोरंजन करेगी। ये बोलो ना, हाँ, आपका मन राजी करेगी। आई शक्ल तो सोसरा में 15-20 बोरिया मांग निकल गया। हाँ ठीक है, रो रही है। हाँ तो सुनिए, चित्रपट संगीत। हाँ जी, बोलो थे अमित जांगड़ा और राजा के खजाने में मोतियों की कमी तो कभी राजा के पास में होती नहीं है, लेकिन जैसे हमारे दादा श्री ने लिखा है,
हमें उनका अनुसरण करना चाहिए। राजा के खजाने में मोती समाप्त हो चुके थे। माली का हाथ जोड़ करके पास में राजा के पास में आता है, महाराज आज हमारे खजाने के अंदर जो हमारे अतिथि आए हुए हैं हंस, उनके लिए भोजन करवाने के लिए मोती पर्याप्त नहीं है। राजा विक्रम अपने महल में जाता है। रानी देखती है कि आज महाराज का चेहरा उदास है। महाराज आज आपका ये चेहरे पर उदासी कैसी है? रानी क्या करूं, मेरे देवता के समान जो हंस आए हुए हैं बागों में ठहरे हुए हैं, आज उनके लिए खाने के लिए मेरे पास में भोजन नहीं है। लोगों वो थी नारियां अपने हार और श्रृंगार तोड़ करके थाल में सजा दिए, कहने लगी कि महाराज आपकी इज्जत में मेरी इज्जत है, महाराज चाहे मेरा सारा श्रृंगार उतर जाए लेकिन आपके जो हंस आए हुए हैं भूखे नहीं रहने चाहिए, महाराज एक रोज बाकी है। प्रेमी सजनों, एक हंसों का सरदार महल के कंगूरे पर बैठ के ये बात देख रहा था, आता है वापस हंसों के पास में, हंसों से ये बातें बताता है और कैसे आगे का वर्तमान सुनिए, बहुत अच्छे उत्तर। भाई साहब मन का नमस्कार। नमस्कार। देखिए भाई साहब बोलो, आज जो हमारे सामने जो मोती डाले गए हैं, जी हाँ, हम वो नहीं खा सकते। क्यों? क्योंकि वो रानी जो हार पहन रखा था, जी हाँ, उसको तोड़ करके तब हमारे सामने डाले गए हैं, और आपको पता है हम बिंदे हुए मोती नहीं खा सकते। तो भाई साहब एक काम करो, मुझे तो ऐसा भी लगता है क्या कि शायद महाराज के खजाने में मोती खत्म हो चुके हैं। तो एक काम करो, और हमारा दिसोटा कितने दिन का बच्चा है? एक दिन का। एक महीने का। 11 साल और 11 महीने बीत गए। अच्छा, अब एक महीना बचा है। जी हाँ। वो हमारे रास्ते में खत्म हो जाएगा। ठीक है ना। चलो महाराज के पास चलते हैं। तो ना तो उनकी बेइज्जती होगी, जी हाँ, और हमारा काम भी हो जाएगा, काम भी बन चुका। चलो अब हम अपने वतन को चलते हैं। चलिए। महाराज मन का जय प्रणाम। हंसो महाराज जय प्रणाम। अरे हंसो जी महाराज, बागों को छोड़ करके मेरे पास में? महाराज मजबूरी है। मजबूरी? आपका हमारी बात सुन के एक बार बुरा तो लगेगा। अच्छा, लेकिन महाराज हम कहना चाहते हैं। बुरा लगेगा? हाँ हाँ, क्या कहना चाहते हो? महाराज काले जिन पकड़ के बैठ जा। महाराज कहिए क्या कहना चाहते? हमारा समय पूरा हो चुका, 11 साल 11 महीने बीत चुके, 1 महीना बाकी है, इसको रास्ते में बिता लेंगे। महाराज हंसो, तुम्हारे कहने का मतलब मैं समझा नहीं। महाराज आपने हमारी सेवा इस तरीके से की है कि जैसे माँ बाप अपनी औलाद को पाल पोस करके बड़ा करते हैं। अच्छा जी हाँ। लेकिन अब हम अपने वतन को जाना चाहते हैं। वतन को जाना? जी हाँ। कहिए क्या कहना चाहते हैं? हमारी बात सुनिए। और जाते जाते हम आपसे कुछ कहना भी चाहते हैं। लीजिए सुनिए। कहिए हमारी बात सुनिए। हो पीर विक्रमा, तू भी भारे बोले, और रबीर विक्रमा
मीठा तू भी मारे मान सरोवर के साताल और अंतन का भंडार बरोत्र मोज उड़ाई मनो 12 साल कहिए नमरे और तेरे बाग में आके डट के बड़ा आदर सत्कार भाई
200 रुपए से अपनी पार्टी का मान सम्मान करते हैं रागनी पे खुश होकर के। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। और महाराज हम आपसे एक बात और कहते हैं, एक बात और, जो सेवा आपने हमारी कर दी, हाँ, जिस तरह का प्यार प्रेम हमने मिला है आपके यहाँ आने के बाद में, अच्छा, उसका बदला हम इस जन्म में नहीं चुका सकते। हम आपका बदला कहाँ चुकाएंगे, लेकिन आपसे वादा करते हैं यहाँ तो नहीं लेकिन वहाँ 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 जरूर चुकाएंगे आपका बदला। पर सुनिए धर्म राज के बदला देंगे भगत सुता हम दूर और पुने पापुन पुने नरसे मैं धर के नारा नारा छाट दिया गैरो के दुख दूर करे आज मारा भी दुख बाट दिया गैरा के दुख दूर करे मारा भी दुख बाट दिया। कृष्ण कैसी करे बड़ाई बात किया है। पूर्व हम तो आपके प्यार प्रेम में इतने घुल मिल गए कि रास्ते दिशा सब भूल गए हम तो महाराज। अच्छा और अरे हंसो, हाँ एक बात कान खोल करके सुनो। वो कौन सी बला? रास्ते के अंदर मेरी बड़ाई मत करना। ए महाराज पर क्यों महाराज, आप बड़ाई योग तो है लेकिन करनी नहीं है। ठीक है महाराज, शांत स्वभाव से। ठीक है महाराज, ठीक है महाराज, क्या उस्ताद और राम राम और हाँ। राम राम और दई नमस्ते जय सीता जय राधे श्याम पूर्व कलिया पूछ रास्ता फर 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 लईर उडारी बरना आया रस्ते में पत्थर नचे इरगाने हो रे लोगो चढ़ में बैठे मंगे और पत्थर नचे गाने हो रे चढ़ जीत पिछले 20 की जय हो। जय जय कार हो महाराज की, राजा वीर विक्रमाजीत की। हाँ जी सुनिए, ये 100 रुपए हमारे भाई साहब भूरा हलवाई
₹100 से मेरी पार्टी के मान सम्मान करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद। अरे क्या बात, महाराज की जय जयकार हो। अरे किसकी जय जयकार कर रहे हो? राजा वीर विक्रमाजीत विश्वास हो। ये श्रीमान जी राजकुमार जी तिगड़ाना से ₹100 बाबा के नाम से और ₹100 हमारे भाई अमित के नाम से। हेलो हेलो, बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद। और आपके सामने एक बहुत अच्छी सूचना, 25 तारीख से 28 तारीख तक तिगड़ाना में बाबा रविदास मंदिर पे सांग होंगे और कुलदीप सांगी उमरा वाले कुलदीप सिंह, कुलदीप सांगी, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद। हाँ जी, ये ₹100 श्रीमान जी प्रेम सिंह जी नांगल से, ₹100 बाबा के चरणों में और 100 मेरे और 100 गौवा के नाम पे। वाह जी बाबा क्या बात है, गौ माता में इतनी श्रद्धा रखनी चाहिए। और लोगों भाई बीच बीच में चमोल ले आनी चाहिए, क्योंकि हमारा जो उद्देश्य है सांग करने का, ये मन बहलाना नहीं है, बाबा के भंडारे के निमित्त, बाबा के मेले के निमित्त चंदा इकट्ठा करना है। हाँ, दूर दूर तक खबर लगे कि इतना दान आया। हाँ, मंदिर के नाम पे मिलजुल कहने जोटा मार दे, दानी राज्य है हरियाणा। अभी हमारे भाई अमित ने कहा था, बहुत बहुत धन्यवाद सभी दानवीरों को। और भूरा हलवाई चाय वाला, इसका भी ध्यान रखियो भाई, जलेबी भी खाते रहियो, चाय चाय बांट के रजा बिचारा हो। और श्री हमारे बीच में ऐसी हस्ती बैठी हुई है जो हमारी आवाज को, हमारी कला को दूर दूर तक पहुंचा रही है, हमारे दादा श्री एनके स्टूडियो भिवानी गेट, हनुमान गेट भिवानी। नरेश कुमार दादा, दादाजी नरेश जी। और कल वाला जो सांग है वो YouTube पर आ चुका है और 2000 लोगों ने देख भी लिया है, ये बाबा की कृपा है सर, हमारा कुछ नहीं है। बहुत अच्छे, आइए एक डांस आपके बीच में, जब तक उस्ताद लोग चाय पी लेते हैं। चित्रहार, सुस्त नहीं सुस्ती नहीं। महाराज इंद्र, महाराज विक्रमाजीत महाराज का, अरे जय जयकार करते तो चलो कम से कम, महाराज विश्व विश्व की जय जयकार हो। अरे कौन हो तुम, किसकी जय जयकार कर रहे हो? अरे हम, तुम्हें पता भी है कि आपको नहीं पता विश्व विश्व किसे कहते हैं? हम हंस हैं और हमें ये पता है। अच्छा, विश्व विश्व किसे कहा जाता है? अच्छा, जो भगवान से भी बढ़कर के हो। अच्छा, उसे विश्व विश्व कहा जाता है। फिर कौन है ऐसा विश्व विश्व, किसका नाम ले रहे हो आप? राजा वीर विक्रमाजीत। अबे पगलो, हाँ वो विश्व विश्व हो गया तो आप कौन है? मैं, हाँ, मैं इंद्र भगवान हूँ। हो गया इंद्र भगवान, कौन जानता है तेरे को? अच्छा, यानी इंद्र भगवान को हमारे लिए तो वही भगवान से बढ़कर के हैं। वही भगवान नहीं मानते हम आपको, और उसकी जय जयकार, हाँ, यहाँ मेरे नाम की जय जयकार होती है। हम ऐसे करेंगे, ठीक है? अगर ऐसे हो, हाँ, और तुम्हारा विश्व विश्व ने कह दिए, अच्छा आंसरी मन रख ली है महाराज। हाँ, इसने छोड़ दो। नहीं महाराज, इसने छोड़ दो महाराज, बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। और कह दिया तारे विश्वास विश्व महाराज जी, इसे छोड़ दो। इतने अंश के बीच में तो यो भी अंशनी से, एक ही अंशनी से, यो भी बीआईडी से। अच्छा, इसने छोड़ दो महाराज, इसके इसके टापर भूखे मर जाएंगे, चुच्ची कुण पियाओगा महाराज। इसने बाजार में जाके और वह लेके दीवान निप्पल, निप्पल के करेगी, निप्पल का उसका मुंह में देगी। किसके में? क्या महाराज, उसके आप हमारी आंसनी नहीं दोगे? बिल्कुल नहीं देंगे। अरे भाई साहब, मुझे तो एक लगता है, मुझे तो ऐसे लगता है कैसे कि ये नहीं मानेंगे, ये नहीं मानेगा, ये हठधर्मी राजा है। जी हाँ,
हम एक काम करते हैं, चलो वापस महाराज वीर विक्रमा जीत के पास में चलते हैं जी हाँ। और उनसे जाकर के विनती करेंगे, उनसे ये हंसनी छुटवाएंगे जी हाँ। तो चलो आओ। आए, आए महाराज। हाँ भाई साहब देखते ना रोना भी आवा है मैंने हाँ? हाँ। तो छोरे ने बुला ले, उसने ज्यादा रोना आवा है। अरे अरे वो लड़ ले आजा। महाराज का करो ये, महाराज का करो ये। अच्छा मैं रोऊंगा? हाँ तन्ने रोण का काम पहले भी करया है। एक काम करो के पहले तुम रो लो। हे हम किसने रोमे? और फिर भी तो रोओगी जब चाहोगी ना। हम कौन रोमे? तुम न्यू गुरु पहले अभ्यास कर लो, तुमने देख देख के फिर मैं सीख लूं। नहीं मैं हम वहीं सीख लेंगे। आप एक काम करो महाराज के पास में चलो और वहां पर रोक के दिखाना जोर से रोना। रोक रोक हाँ। रोक के हाँ। रोक के और कह दियो महाराज मारी अंसनी ले आके दे। महाराज की जय हो। जय हो महाराज की जय जयकार हो। जय प्रणाम हंसो। इब सुन लो हाँ करे हंसो कर दे। मेरे पास से तुम हंसते खेलते हुए गए थे लेकिन आपकी आंखों में आंसू